दोस्तों हम लोग इस वक्त खैर खैरियत के साथ नौशहरा से स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट पेशावर पहुंच गए हैं कोहाट रोड पे। ये जो आपको राइट साइड पे जो नज़र आ रहा है ये स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट वालों की मैनेजमेंट का ऑफिस है। डायरेक्टर फाइनेंस इधर बैठता है, MD भी इधर बैठता है, मेरे बहुत सारे दोस्त इधर बैठते हैं। और ये बिल्कुल सामने जो है तो आपको जो नज़र आ रहे हैं गेट वगैरह, इसमें लेफ्ट साइड पे मून स्टार है, बिल्कुल सामने तीरा आर्म्स वाले बैठे हुए हैं और उसके साथ करके जो है तो सिटी आर्म्स कंपनी वाले बैठे हुए हैं। तो अब आगे चलते हैं जी, इंशाल्लाह आप लोगों को साथ रखते हुए जो सवालात थे, जो जवाबात थे, जो क्वेरीज थी, जो चीज़ें थी उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों हम लोग इस वक्त स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट कोहाट रोड पे हैं और हमारी सराउंडिंग में सारा मेरे साथ मेरा बचपन का दोस्त हमायून, पीर हमायून भी है जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉई है। और यहाँ पे ये देखेंगे आपके बोर्ड नजर आ रहे हैं, मेसर्स दोस्त मोहम्मद और टेलकम पाउडर है सॉरी ये, और फिर पीरजादा इंजीनियरिंग, अमार आर्म्स कंपनी, मून स्टार, स्वात आइस फैक्ट्री, ठीक है जी। फिर इसका हाँ फिर ये तीरा आर्म्स कंपनी ये वाला भी है। तो ये सारा इंटायर एरिया जो है ये स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग क्लोन्स मोस्टली, ये सिटी आर्म्स है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों सिटी आर्म्स कंपनी में बैठा हुआ और मिरेकुलसली माशाल्लाह मेरे साथ एक मेरे सब्सक्राइबर भी बैठे हुए हैं, मेरा हम कबीला है, ये भी खटक है, ठीक है जी। और वीडियो देखकर आए थे लोकल आर्मरी के हवाले से, क्लोन्स के हवाले से, तो ये बहुत अच्छा हो गया कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कम अज कम मेरे जरिए से एक बंदे को एक मुतमईन सौदा मिल जाएगा और थोड़ा सा समझ भी आ जाएगी कि मैं क्या खरीद रहा हूँ जी। तो इंशाल्लाह इसी कोशिश को हम आगे जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिए। दोस्तों गौर से इस पिस्टल को देखिए, ये सीरियल नंबर पे मैंने उंगली रखी हुई है जी, ताकि अब ये आसिफ भाई का अपना इस्तेमाल का पिस्टल है, ठीक है, लोकल है, क्लोन है, लेकिन मेरे नज़दीक बहुत सारे इम्पोर्टेड वेपन्स से मैं इस पे एतबार करूंगा। और बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे, बहुत सारे मेड इन तुर्की ऐसे वेपन्स हैं कि आप इसकी सिर्फ फिनिशिंग देखिए, इसकी फिनेस देखें, इसके एर्गोनॉमिक्स देखें। तो दोस्तों बन सकता है, कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने यहाँ आया हूं कि क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज, ठीक है जी, ओरिजिनल पिस्टल्स हैं, फिर उसके बाद जो है इंपोर्टेड पिस्टल्स हैं उनके क्लोन्स, फिर उसके बाद हमारे पास दाऊद सन्स आता है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्लोन्स आते हैं लोकल में, ठीक है जी। सबके प्राइस स्लैब्स भी डिफरेंट है, सबकी परफॉर्मेंस तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप ओरिजिनल राउंड यूज करें तो कुछ हद तक एक जैसी है। एक्यूरेसी पर आते हैं, एक्यूरेसी पर दोस्तों जब भी कोई शौक करता है ना तो फिर उस शौक में थोड़ा सा उसे, जैसे अभी ये मेरे भाई गयूर खटक आके मेरे पास यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एक्यूरेसी के हवाले से आप जब भी लोकल क्लोन कोई भी खरीदते हैं तो आप उसको रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं कि इसको री राइफलिंग कर दें, इसकी मुझे जो है आप एक्यूरेसी कट जो है वो बना दें और इसको आप क्रोम लाइन कर दें। तो अगर आप बिल्कुल राह चलते हुए कोई पिस्टल उठाएंगे तो हो सकते हैं उसकी एक्यूरेसी के इशू, लेकिन अगर आपने ऑर्डर दे के कोई क्लोन तैयार करवाया तो इंशाल्लाह उसकी एक्यूरेसी का कोई इशू नहीं होगा, उसको बकायदा उसकी बड़े अच्छे तरीके से राइफलिंग करके जो है वो उसको बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया। आबिद भाई भी आ गए हैं जी हमारे पास, माशाल्लाह अपना एक एक्सपीरियंस रखते हैं लोकल गन स्मिथ के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। आबिद भाई आपके क्या तासुरात हैं, ये जो हम वीडियोस देखते हैं जो लोगों की चलती हैं कि 41-40 लोहे से ये बैरल बनी हुई है और ये 75 और 70 से बनी हुई है, कुछ थोड़ा सा मुझे आपका फीडबैक चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे जनाब। ये सारे लोग जो हमारे लोकल इंडस्ट्री में लोग जो बैरल वगैरह बनाते हैं और कहते हैं ये 40-41 है, ये सारी झूठ बोलते हैं। और जो 70-75 सिल्वर जो ना उसका जो मेड होता है ना, ये लोग इनाम यूज कर लेते हैं, लेकिन ये अभी इसी वक्त मार्केट में अवेलेबल है नहीं।
अगर अवेलेबल होगा भी तो उसकी कीमत इतना ज्यादा हो जाता है ना कि वो हमारे पिस्टलों के बनाने के पहुंच ही दूर पड़ जाता है। तो असल में जो है ना ये सारे लोग जो सिल्वर यूज करते हैं ना ये आजकल जो है ना लाहौर में जो है ना अपने मेड बन जाते हैं। पहले लोग ये जो दरवाजे वगैरह जो जंगी सामान में जो है ना जो चीज मटेरियल इस्तेमाल होती थी ना उसके जो टैंक वगैरह थे उसके दरवाजे आते थे ना वो बड़े जबरदस्त जो है ना एल्युमिनियम थी। अभी लाहौर में अपना मैन्युफैक्चर बना हुआ है लोकल एल्युमिनियम बन जाता है। किसी के पास भी कोई भी किस्म की जो है ना 70-75 नहीं है। और हमारे मार्केट में जो सबसे आजकल बेस्ट पे लोहा जा रहा है वो 10-45 है। तो 10-45 भी वो लोग लगा लेते हैं जो अच्छी क्वालिटी के पिस्टल बना लेते हैं। और ये जो 40-41 वाले बात है ये सारी झूठ बोलते हैं। आप लोग जो पिस्टल बनाते हैं उसमें आप लोग किस क्वालिटी की पैदा? हम 10-45 वाला लोहा इसमें यूज कर लेते हैं, वो क्वालिटी के एतबार से भी ठीक होता है। वो जो हम उसको टेम्पर कर लेते हैं उसकी जो टेम्पर की खसूसियात है वो भी जो है ना जबरदस्त होती है। 40-41 का जो लोहा होता है ना उसकी जो टेम्पर की जो चीजें है ना वो उसकी जो लेबोरेटरी वगैरह वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि उसको किस हिसाब से हम टेम्पर कर सके। आपके लिए पीएचएसएडीसी ने एक लेबोरेटरी लगाई हुई है यहाँ पे, वर्कशॉप लगाई हुई है, वो वर्किंग है? नहीं मुझे मेरे इलम में तो नहीं है, मेरे इलम में तो नहीं है हमारे पास तो ये, क्योंकि हमारे इधर इलम में नहीं है। हम तो खुदकार निजाम से चलते हैं अपने हिसाब से जो है ना, ना कोई लेबोरेटरी अपनी मदद आपकी तहत लाहौर से जो है ना सारा मटेरियल आ जाता है। और आजकल ये जो सबसे बेस्ट पे लोहा जा रहा है वो 10-45 है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को कुछ थोड़ा जो है वो आपका जहन क्लियर होगा कि लोकल वेपनरी जो बनती है, जो क्लोन्स बनते हैं किस क्वालिटी के होते हैं और किस तरह बनते हैं। तो दोस्तों इसको इंशाल्लाह इस सिलसिले को साथ साथ जारी रखे हुए हैं, हमारे साथ ही रहिए। तो दोस्तों मेरे पास जो है वो एक माशाल्लाह एक ऐसे हमारे लोकल गन स्मिथ बैठे हुए हैं जो सीना बसीना अपने इस फन को लेके चलते हुए आ रहे हैं। 30 बोर का जो जो कॉपी बनती है उसकी महारत है इनकी, वो कुछ मुझे समझाना चाह रहे हैं। बातचीत पश्तो में होगी, मैं आपको री इंटरप्रेट कर दूंगा जी। आप अभी जी जी हाँ जी सर बाहर ना जंग लगी 40-41 तो चिकम बेरल जूड़ से नागे तो जमुन खालक ज्यादातर चिकन 40-41 होता हुई चिकम पर लंटर के इस्तेमाल देखा तो पुलून की याद आगे के इस्तेमाल से हुई बिल्कुल दोस्तों हमारे जो है इस महारत भरे इस जहन का इस तजर्बे भरे इस हमारे इस बुजुर्ग का हमारे इस लोकल गन स्मिथ का कहना यह है कि इस पूरे इंडस्ट्रियल स्टेट में 4140 स्टील आपको कहीं पे भी नहीं मिलती। सारे जो भी कह रहे हैं वो दरोगोई कर रहा है और मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स यूज होते हैं जिनसे बैरल्स बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आमिर कयूम खटक सिटी आर्म्स कंपनी पेशावर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट पेशावर से आपकी खिदमत में पेश हूँ। प्रोसेस आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि लोकल मेड हैंडगन्स जो हैं क्लोन्स जो हैं उनका प्रोसेस। मेटल पे बड़ी बात होती है, मेटलर्जी पे बड़ी लोग बात करते हैं, ये वो जैसा जो कुछ भी है और जो फैक्ट्स हैं वो ये है। दोस्तों ये मेटल आता है
ये आप अगर गौर से देखें तो ये जो कोई मेटल भी है इसको हार्ड मेटल बोला जाता है, लेकिन आप गौर से देखें तो ये परतों से लेयर से मिलके जो है ये बना हुआ है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं कि लाइक अगर प्योर मेटल होगी, स्टेनलेस स्टील होगी, तो वो जिसको मैं अपनी जुबान में कह सकता हूँ इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज के तिड़क जाती है, वो खुल सकती है। ये जो है मतलब इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये ब्लास्ट नहीं होती। इसको अगर अगर इस प्लेट को मैं बुलेट से हिट करूंगा तो ये इस उसका इम्पैक्ट जो आएगा सिर्फ उसका इसी जगह पर आएगा, बाकी के जो है वो उसमें नहीं आ सकता। उम्मीद है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कामयाब नहीं हो सक रहा हूँ, लेकिन बहरहाल चूंकि मेरी भी दोस्तों मैंने ट्रिग्नोमेट्री या मेटलर्जी कहीं पे बैठ के पढ़ी नहीं हुई है, मैं भी एक मामूली सा आम सा इंसान हूं। अच्छा जी, ये प्लेट आती है फैक्ट्री में जिसको इस कंडीशन में इस शेप में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यहां पे आपको इस मेटल की मेटलर्जी समझ आ रही होगी कि इसमें ये लेयर्स आपको जो है वो समझ आ रही होंगी। यहां पे आप देखें तो आपको एलॉय है जो कुछ भी है, इसको बोला जाता है हार्ड मटेरियल। इससे ये पिस्टल का जो है वो फ्रेम का डाई बन जाती है जिससे अनफिनिश फॉर्म कुछ इस कंडीशन में सामने आती है जी। अब इस वक्त पे इसका बहुत वजन है लेकिन ये मोल्ड होके शेप्ड होके अब ये दिस इज वेरी वेटलेस सॉर्ट ऑफ थिंग जी। और इसकी आप देखिए अब इसके बाद मिलिंग होगी इसकी और डिफरेंट। अब ये सारा काम जो है ये मशीनों पर हो रहा है। जो 30 बोर पिस्टल हैं उनमें ये काम भी जो है वो लेथ मशीन और इन सारी चीजों पर होता था। ये वाला काम जो हो रहा है ये अब मॉडर्न मशीनिंग है जी। ठीक है जी, तो इसके बाद अब फिर प्रोसेस शुरू होगा जिसमें इसको स्लाइड और इसको बैरल और सारी चीजें और पार्ट्स इसके। तो दोस्तों ये है ओरिजिन एक लोकल मेड क्लोन या लोकल मेड हैंडगन का जो कि नॉर्मली हमारे इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट को हार्ट रोड पे बन रही है। बहुत शुक्रिया।